आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का टॉपिक है आटे में नमक का क्या महत्व है। हाँ, मैं एक आपको सुन के थोड़ा सा अटपटा चटपटा लगेगा कि ये कैसा टॉपिक है, आटे में नमक का क्या महत्व है। तो मैं इस टॉपिक को एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगी। और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ विशेषकर जो लोगों की सैलरी कम होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी कितना कम है, उस हिसाब से वो अपना वैल्यू इम्पॉर्टेंट अपने आप को देते हैं, या कोई और दूसरे भी उनको उनकी सैलरी के हिसाब से उनको समाज में महत्व दिया जाता है या इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मैं उन लोगों को आज जागृत करना चाह रही हूँ, उनको बताना चाह रही हूँ कि आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको कम सैलरी भी मिलती है तो वो भी कम नहीं है। क्योंकि हम लोगों के को पता है एक एग्जांपल से कि घड़े में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आपकी सैलरी कम भी है तो उसको आप अगर थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ बचत करके या पूरी की पूरी बचत कर लेते हो, क्योंकि आपकी सैलरी अगर कम है तो अगर आपके हस्बैंड या कोई और जो आपसे ज़्यादा कमा रहा है उसके सामने वो कुछ नहीं है तो आपकी सैलरी को वो लेना नहीं चाहेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको सबमिट कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो, उसको आप जमा कर सकते हो और उससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी आप लोगों को कि एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ, तो उसमें हस्बैंड जो थे वो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, तो उनकी सैलरी थी बहुत अच्छी, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी भी कंपनी की ओर से उन्हें प्रोवाइड किया गया था। लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो एक साधारण टीचर थी, टीचर बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल में नहीं, नॉर्मल स्कूल में, सैलरी बहुत कम थी, लगभग 10,000 के आसपास सैलरी मान सकते हैं, बहुत कम सैलरी थी। क्योंकि आज हमारे देश में बहुत ऐसी शिक्षित महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सैलरी उनकी बहुत कम है, वो बहुत कम है इसलिए उनको बहुत कम आका जाता है। तो ऐसा नहीं है, उनका काम बहुत अच्छा है, एक मीनिंगफुल काम है टीचिंग का, या कोई और फील्ड में भी सैलरी जहाँ कम मिलती है। तो वैसे लोगों को मैं प्रेरित करूँगी कि अपने सैलरी को कम ना समझें, आपका जो अभी प्रेजेंट में जो है वही आपका अपना है और उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लाइफ में आगे कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाऊँ, तो वाइफ का जो सैलरी बहुत कम था तो उसको बार बार उसके हस्बैंड से सुनना पड़ता था कि तुम्हारी इनकम ही क्या है, तुम करती ही क्यों हो, छोड़ दो ना, जो क्यों जाती हो, क्यों टाइम स्पेंड कर रही हो उस पर, उससे अच्छा तुम घर में टाइम दो, घर में रहो, रेस्ट करो, आराम करो, घर में बैठो। लेकिन फिर भी वो इन सारी बातों को इग्नोर करके जॉब करती ही रह जाती है, कंटिन्यू करती है, और उसके चलते उस लेडी को बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि रात का अगर बासी बच्चा रोटी है तो उसको टाइम नहीं है तो अचार से लेकर ही अपने लिए लंच ले जाती है, हस्बैंड को अच्छा लंच दे देती है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता तो उसको वो कैसे मतलब एडजस्ट करती है घर और बाहर, और इस तरह वो ताने भी सुन सुनकर जॉब में कंटिन्यू बनी रहती है। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि उसके हस्बैंड को कोई गलती के कारण, कोई मिस्टेक के कारण या किसी भी तरह उन्हें ब्लेम करके नौकरी से निकाल दिया जाता है, और जितनी भी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की गई थी वो सारी फैसिलिटी को ले लिया जाता है। अब उनका, उनके हस्बैंड का जो एक बार एकदम टॉप में अच्छी जगह वो कंपनी में जॉब कर रहे थे और एक बार एकदम झट से नीचे आ गए और उनका जॉब चला गया, सारी फैसिलिटी सब कुछ चला गया, कंपनी की ओर से जो घर कार सब कुछ चला गया, तब वो मतलब सदमे में आ गया कि अब क्या करें, और अपने आप को बहुत हीन भावना से ग्रसित हो गए, नेगेटिव थॉट की ओर चले गए, और वो अब क्या करते हैं, दिन भर घर में सोते हैं और अपनी वाइफ से भी अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे, उससे बात भी नहीं कर पा रहे, अपने आप को समाज से उपेक्षित महसूस करे और बंद कमरे में रहना ज़्यादा पसंद करे। तो ऐसा सिचुएशन में उसकी जो वाइफ थी जिसका सैलरी बहुत कम था और उसको सैलरी को उसके हस्बैंड ने आटे में नमक का नाम दिया था कि तुम्हारी जो सैलरी है ना वो आटे में नमक डालने के बराबर है। जब हम लोग गृहिणियाँ लोग आटा सानते हैं तो उसमें हल्का सा नमक भी डालते हैं सॉफ्टनेस के लिए या टेस्ट के लिए,
तो उनका कहना था कि तुम्हारा जो सैलरी है, मैं जो कमाता हूँ आटा और आप जो कमाते हो नमक, तो आटे में नमक का काम कर रहा है तुम्हारा सैलरी। तो फिर भी वो मतलब उसको इग्नोर करके कंटिन्यू जॉब में थी। तो वो फिर बाद में अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंट में लेती है और उनसे बात करती है, थोड़ा सा मेल जोल कराती है बहुत पोलाइटली प्यार से, और बोलती कोई बात नहीं आपका जॉब चल गया, मैंने कुछ अपनी सैलरी से रखी है, उससे हम अपना घर फ्लैट इमिजिएटली कहीं ले सकते हैं और धीरे धीरे फिर हम लोग कुछ कर लेंगे। तो फिर वो कंपनी का जब घर चला गया तो उसमें वो शिफ्ट हो जाते हैं उस घर में। फिर हस्बैंड की मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है बिगड़ती जाती है। तो फिर वाइफ क्या करती है कि उन्हें CA का जो कोर्स किया था और जो चार्टर्ड, फिर कोई उससे भी ऊपर का कोई कोर्स पढ़ने के लिए उन्हें मतलब उस प्रोत्साहित करती। तो वो बोलते नहीं अब हमसे हो नहीं पाएगा ऐसा वैसा। तो फिर से मतलब वो फिर उन्हें बोलती है, फिर कॉन्फिडेंट में लेती है, वो भी आते हैं कॉन्फिडेंट में फिर करते हैं। तो फिर वो और पढ़ाई का खर्चा भी उसकी वाइफ ही उठाती है, फिर वो और आगे जीवन में बढ़ जाते हैं, फिर अच्छी जॉब उन्हें मिल जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये मिलती है कि अगर हम कम कमाते हैं और फिर भी उसको सेविंग करते हैं और कंटिन्यू कमाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो लोगों की सैलरी कम है वो कभी भी अपने आप को कम ना आके और ये ना समझे कि ये आटे में नमक का काम, अगर आटे में नमक का भी काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट आप काम तो कर रहे हो, कंटिन्यू काम करने से काम का नॉलेज हो रहा है और धीरे धीरे आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो और अपने नॉलेज को प्रोग्रेस करने के साथ साथ उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हो। और यदि एक्सप्रेस करने के साथ साथ आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट भी करते हो, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में आम से खास भी आप बना लेते हो, तो एक मैं कहूँगी कि सक्सेस की सीढ़ी अपने लिए बनाते हो। कम सैलरी मिल रही है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि उस कम सैलरी को आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना रहे हो। जैसे मान लेते, एग्जांपल देती हूँ मैं कि मुझे टॉप तक जाना है और तो क्या हम उड़ के चले जाएंगे? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? अगर ऊपर जाना है, वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए हमको अपने जैसे अपनी लाइफ का एग्जाम्पल ले लो कि आपको ऊपर जाना है आगे जाना है, तो उसके लिए आप असली सीढ़ी बनाओगे ना, सीढ़ी पर चढ़ के जाओगे ना ऐसे ऐसे। तो कुछ लोग फान के भी जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सीढ़ी बनाना पड़ेगा अपने लिए तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए क्या, तो आप अपनी कम सैलरी से अगर अपनी स्टार्टिंग करते हो या कम सैलरी मिलती है अपने काम में को एक्सप्रेस करते हो और प्रोग्रेस करते हो और अपने आप एक ब्रांड धीरे धीरे बनाते जाते हो, तो आपका प्रोग्रेस भी होता है और आप धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंच जाते हो सीधे। अगर हम सोचेंगे कि तुरंत मेरी सैलरी ज़्यादा हो जाए, तुरंत हम आगे बढ़ जाते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो कम सैलरी से अगर काम करते शुरू करते हैं, उस सैलरी से अर्निंग होती है, उस अर्निंग को अपने आप में हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके हम अपने आप को खास से ब्रांड, आम से खास ब्रांड बना लेते हैं। एक ह्यूमन जो मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य प्राणी, वो अपने आप में एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट है। तो अपने आप को एक ब्रांड और प्रोडक्ट के रूप में लीजिए कि आप कम सैलरी काम ये मैटर नहीं करता, आप एटलीस्ट काम सीख रहे हो, काम कर रहे हो और आप अपने लिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहे हो, सीढ़ी बनाते जा रहे हो। एग्जैक्टली आई एम राइट। तो ऐसे में क्या करना होगा आपको कि उसी सोच के साथ, स्मार्ट सोच के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भी इंडिया में या हमारी महिलाएं देश की कम सैलरी में या कम सैलरी में काम कर रही हैं या उन्हें कम मिलता है, इनकम अभी बिजनेस में कम है, तभी भी उन्हें निराश, हताश, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना है, बिंदास जीना है। बिंदास जीने के लिए तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बिंदास जिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, सफलता की सीढ़ी का निर्माण कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक्शन लो, आगे बढ़ो। तो मेरा आज का यही टॉपिक था कि जीवन में आगे कैसे बढ़ें और फिर उसके लिए हमें क्या करना है। आटे में अगर नमक के बराबर भी हमारी इनकम है ना, तो अपनी इनकम को कम नहीं समझना है, वो भी बहुत बड़ी बात है। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैं सुमित्रा सिंह, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है या मेरे से कनेक्ट हो पाते हो, क्योंकि मैं एक आम तरीके से ही बातें करती हूँ, कोई खास नहीं, इसी में अगर आपको कुछ खास मिल रहा है
तो आप उसे एब्जर्व करो, लो और फिर जीवन में आगे बढ़िए। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छा लगता है, मेरी वीडियो का बनाने पर्पस जो है बनाने को आप लोगों को अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी स्मार्ट सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खासकर मैं महिलाओं के लिए वीडियो स्पेशल रूप से बनाती हूँ, उन्हें जागृत करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, महिला तमाम चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।